और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी वेब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से किसी भी खोए हुए मोबाइल की IMEI नंबर का किस प्रकार से पता कर सकते हैं और आप किस प्रकार से किसी भी खोए हुए मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से किसी भी खोए हुए मोबाइल की IMEI नंबर का किस प्रकार से पता कर सकते हैं और आप किस प्रकार से किसी भी खोए हुए मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ ये सब आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी एंड मोबाइल की IMEI नंबर का पता करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने एंड मोबाइल के अंदर क्रोम को ओपन करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम है, इसको मैंने ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे गूगल को सर्च करना है, और गूगल को सर्च करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल डैशबोर्ड। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गूगल डैशबोर्ड लिख लिया है, और यहाँ पे इसको लिखने के बाद हमें जो सबसे पहले साइट मिलती है उसका नाम है www.google.com चैटिंग डैशबोर्ड। आपको उसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाके आपको उस ईमेल आईडी को यहाँ से लॉगिन करना है जिसको आपने पहले अपने खोए हुए मोबाइल के अंदर लगाया था। मतलब दोस्तों, आपका जो फोन खो गया है उसके अंदर आपने जिस भी ईमेल आईडी को लगाया था उसको आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरी ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे इसके पासवर्ड लगा के इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसको लॉगिन करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ये पेज इस प्रकार से शो हो जाता है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे आपकी पूरी जानकारी मिल जाती है कि आपने इस ईमेल आईडी के थ्रू अपने मोबाइल के अंदर क्या क्या किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस प्रकार से पूरी जानकारी मिल जाती है, हमारे मेल के अंदर कितने मेल पड़े, इस प्रकार से यहाँ पे हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। आप यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि आपने इस ईमेल आईडी से टोटल कितनी ऐप्स डाउनलोड की है। पर दोस्तों, इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें यहाँ से थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है एंड्रॉइड, हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपने ईमेल अकाउंट को जिस जिस मोबाइल के अंदर ओपन किया था उसकी IMEI नंबर आपको यहाँ पे शो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जिस जिस मोबाइल के अंदर उस ईमेल आईडी को लगाया था उसके यहाँ पे IMEI नंबर मुझे शो हो जाते हैं। यदि दोस्तों मैं इसको यहाँ से नोट करना चाहता तो यहाँ से मैं इसको नोट कर सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, आपका जो मोबाइल है वो कौन सी कंपनी का है वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाता है, और उसके अंदर आपने कौन से सिम का उपयोग किया था वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, आपने कब उसको एक्टिव किया और कब उसको यहाँ से आपने हटाया वो भी यहाँ से आपको शो हो जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये कि आप यहाँ से IMEI नंबर डायरेक्ट ले सकते हैं और लेकर आप कहीं भी इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो मैंने बताया उसके थ्रू आप किसी भी एंड मोबाइल की IMEI नंबर का पता कर सकते हैं। अब मैं आपको बता लेता हूँ कि आप किस प्रकार से किसी भी मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक करने के लिए दोस्तों, आपको इसी के पास में एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है मैनेज एक्टिव डिवाइस, आपको उस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक करने के लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं, और इसके अंदर आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैप शो हो जाता है। इस मैप के थ्रू आप अपने मोबाइल को एकदम लाइव ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप उस पर बेल बजाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है प्ले साउंड, आप इस पर क्लिक करके आप उस मोबाइल के अंदर बेल बजा सकते हैं, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ पर है। और इसी के साथ दोस्तों, यदि आप इसको लॉक करना चाहते हैं या फिर आप अपना डेटा वहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो इस नीचे वाले ऑप्शन से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आप किस प्रकार से किसी भी खोए हुए मोबाइल की IMEI नंबर का किस प्रकार से पता कर सकते हैं और किस प्रकार से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप किसी भी मोबाइल को IMEI नंबर के द्वारा ट्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका मोबाइल जिस भी कंपनी का है उस कंपनी में जाके आपको उसकी IMEI नंबर देना है, जिससे कि वो उस मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मैं वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो बेल का आइकन दिया हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है,
जिससे कि आपको मैं जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उन सब का बेल के द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।